बजान वो फुप्पो से रुखसती की तो बात नहीं हुई थी। अरे बेटा तुम और तुम्हारी फुप्पो बातें तो बहुत सी हुई, तुम दोनों के दरमियान पूरी कोई भी नहीं हुई है? अब देखो ना तुम तो पता नहीं कैसे निकाह पढ़वाने भी आ गए, छुआरे भी नहीं लाए कोई। मैं कहना ये चाह रहा था कि अब देखो ना कल कलांको तुम्हारे वालदैन तुमसे ये कहें कि तुम ये निकाह खत्म करो तो तुम तो कर दोगे, फरमा बरदार बच्चे। अब तुम्हारी फरमा बरदारी के चक्कर में मेरी बच्ची के नसीब फूट गए तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना उसकी। है फूफा आपको मुझ पर एतबार होना चाहिए, मैंने निकाह किया है, निभाकर भी दिखाऊंगा। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्या गारंटी है कि कल तुम इसे तलाक दे दो? भाई मैं तो कहती हूँ कि रुखसती आज ही होनी चाहिए, बल्कि अभी। शुक्रिया जम्मी जी। वली देखो ये इनकार का वक्त नहीं, और अभी रुखसती कर लो, कल छोड़ जाना, इन लोगों की बेयकीनी भी खत्म हो जाएगी। और यार देखो प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई नई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। और उरूसा बेचारी का सोचो, सुबह से उस बेचारी पे क्या गुजर रही है और तरह तरह की बातें कर रहे हैं लोग उसके सामने। मोहसिन, मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है, डैड घर पे बीमार है, अगर इन हालात में इसे ले गया तो। अरे जो आज होगा वही कल होगा ना, क्यों खुद को टेंशन में डाल रहे हो, कर गुजरो एक काम। बस करें आप लोग प्लीज, ना आप लोग रखना चाहते ना ये साथ ले जाना चाहते, मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं, किससे कहूं, इस जिल्लत से बेहतर था कि मैं मर जाती। बच्ची जज्बाती है मेरे बेटा, मैं समझाता हूँ। देख बेटा जो कुछ मैं कर रहा हूँ ना ये मेरी दूरंदेशी है, तुम्हारी आइंदा आने वाली जिंदगी को महफूज बनाने के लिए कर रहा हूँ। अरे इतबार नहीं है ना इन लोगों का, धोखे खाए हैं बड़े। चलो अगर आज तुम्हें ये यहाँ से नहीं ले जाना चाहता तो फिर इसे तुम्हें तलाक दे के निकाह खत्म करके जाना होगा बस।